ये लेक्चर नंबर 3 है ना हमारा, तो लिखो भाई लेक्चर नंबर 3, चैप्टर कौन सा? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स डायनामिक्स। तो याद है सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, वर्क, ठीक है। मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, टाइप ऑफ वर्क कितने होते हैं, टाइप ऑफ ठीक है भाई। पहले आप ये ध्यान देना वर्क कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने वर्क पढ़ा है, एक तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, एक आपने ये वर्क पढ़ा है, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इनटू एस लिखते हैं, ठीक है। एक आपने वर्क और पढ़ा हुआ है, कौन सा? कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये आपने कहाँ पढ़ा? ये आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सबसे पहले हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, करंट क्या होता था, चार्ज पर यूनिट टाइम। फिर सेकंड जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा करते थे तो उसमें क्या आता था, वोल्टेज होता था वर्क डन इनटू चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो अगर मैं यहां से बोलूं कि वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज कह सकता हूं, बोलो जी, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो एक और वर्क डन मेरे को कैसा मिल गया, वी इनटू चार्ज, ठीक है। चेक करके देखना क्या इसमें कहीं वॉल्यूम आया भाई, फोर्स में भी कोई वॉल्यूम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में भी कोई वॉल्यूम नहीं है, चार्ज में भी कोई वॉल्यूम नहीं है, ये भी वॉल्यूम नहीं है, क्या ये वोल्टेज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको दो वर्क पढ़ाए, और भी कई टाइप के वर्क होते हैं, मैं सारे नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको डिफरेंस क्रिएट करा रहा हूँ किस किसके बीच में, कि मैकेनिकल वर्क होता है, नॉन मैकेनिकल वर्क होता है, इनमें डिफरेंस क्या है। अरे किसकी याद आ रही है तेरे को, फिर क्या याद है चल। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि मैं आपको टाइप ऑफ वर्क बता रहा हूँ, और ये बताऊंगा कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा वर्क पढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया मैकेनिकल वर्क, ठीक है, मैकेनिकल वर्क थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा जाता है, लेकिन तुम्हारे को अभी बताया नहीं कि मैकेनिकल वर्क होता क्या है। आओ अब यहाँ पर मैकेनिकल वर्क समझते हैं। अब सारे बच्चे जानते हो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स क्या होता है, अगर मैं कहूँ प्रेशर की फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया होगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स हो गया प्रेशर इनटू एरिया। बोलो, तुमने पिक्चरों में देखा है कुछ लोग पहले तो एक बंदे की साइड पे रहेंगे, फिर अचानक से दूसरे की साइड पे चले जाएंगे और सारा गेम पलट देंगे, ऐसा होता है ना, ये पिक्चरों में तो होता ही होता है भाई, सब सीरियलों में भी होता है। तो इस चीज को समझना, प्रेशर के साथ जब एरिया था तो वो एक्चुअल में क्या कहलाता था, फोर्स, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ना वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स की जगह मैं पी इनटू ए डाल दूंगा, तो क्या बन जाएगा, वर्क डन फोर्स की जगह क्या डाल दिया हमारा, प्रेशर इनटू एरिया। जब तक ये एरिया प्रेशर के साथ था तब तक इस क्वांटिटी को फोर्स बोलता था, अब अगर ये एरिया कहेगा नहीं प्रेशर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताओ। एरिया किसी चीज का टू डायमेंशन होता है, और एक डायमेंशन और मिल गई डिस्प्लेसमेंट, क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, थ्री डायमेंशन, और थ्री डायमेंशन होता है वॉल्यूम, यही बात समझ। अरे बोलो पक्का, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये आपका एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, नहीं होता, कैसे पता लगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये बेस का एरिया मेरा हो गया पाई आर स्क्वायर, और ऊपर एच हाइट तक चला गया, तो एरिया इंटू हाइट क्या बन गया, अरे एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम बना नहीं बना, तो वही चीज है।
कि जब तक प्रेशर के साथ एरिया था तब तक वो फोर्स था, और जब एरिया के साथ हो जाएगा मतलब लेंथ के साथ हो जाएगा एरिया, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वॉल्यूम में। ठीक है, तो ये आपका हो गया वर्क का रिकॉर्ड टाइप का p into v। इसको जल्दी से लिखो, इन वाली चीजों को पहले लिखो, फिर उसके बाद आगे बताता हूं कि मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल में क्या है। लिखो से तो यहां पर जरा आप लोग लिख लेना, यहां पर आप लिख दो एक बारी मैकेनिकल वन, ठीक है, और यहां क्या लिख दोगे? नॉन मैकेनिकल वर्क। लिखोगे नहीं लिखोगे? ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। तो मैकेनिकल वर्क हर वो वर्क होता है जिसमें वॉल्यूम का चेंज होता है। यार सिंपल सी बात है, काम दुनिया में कई तरीके के हैं। माँ बाप बोलते हैं ना फालतू के काम करवा लो जितने मर्जी, क्यों भाई वो काम नहीं है, है लेकिन फालतू का है। तो थर्मोडायनेमिक्स में मैं इज्जत देता हूँ सिर्फ मैकेनिकल वर्क को, बाकी का कोई भी नॉन मैकेनिकल वर्क होगा मैं उसको इज्जत नहीं दूंगा। तो मैकेनिकल वर्क हर वो वर्क है जिसमें वॉल्यूम का चेंज होता है। अगर किसी में वॉल्यूम का चेंज नहीं है तो ठीक है भाई, तुम्हारा कुछ अलग चीजें चेंज हो रही होंगी, तो तुम्हारा अलग टाइप ऑफ वर्क है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में लिखना वर्क दैट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व कर रहा है भाई? वर्क दैट इन्वॉल्व्स द चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क को MW लिख दूं फिलहाल के लिए, मैकेनिकल वर्क कहते हैं, ठीक है, और नॉन मैकेनिकल वर्क को हम लिख देते हैं NMW, नॉन मैकेनिकल वर्क। तो इसका जस्ट उल्टा लिख दो कि वर्क दैट डजंट इन्वॉल्व द चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वर्क। तो यहां पर लिखना बाय डेफिनेशन इसकी वर्क दैट, पूरा लिख देता हूं, वर्क दैट डोंट इन्वॉल्व द वॉल्यूम चेंज, जो वॉल्यूम चेंज को इन्वॉल्व नहीं करता इज कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वर्क। नॉन मैकेनिकल वर्क, ठीक है भाई? यहां तक कोई लोचा? लिख लिया सारा? चलो भाई लेफ्ट पोर्शन लिख लिया, मिटा दूं? चलो भाई यहां ध्यान देना। अब एक मान करके चलो ये पिस्टन रखा हुआ है, पिस्टन है मतलब एक सिलेंडर है, सिलेंडर के पास पिस्टन बेसिकली होता क्या है, सिरिंज देखिए, सिरिंज हो या पिचकारी हो, पिचकारी में ऐसे कुछ मारते हैं ना, हैं सिरिंज होता है उसमें ऐसे सुई लगाने के लिए, तो पीछे से धकेलते हैं ताकि लिक्विड आगे जाए, तो जो आपका वो पीछे से प्रेशर लगा रहा होता है उसको पिस्टन बोलते हैं। ठीक है, ये अंदर जाएगा तो कंप्रेशन होगा, और अगर ये बाहर जाएगा तो एक्सपेंशन। मान करके चलो इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ गैस है, पहले से थोड़ी सी क्या है, गैस है, ठीक है, और बाहर से जो प्रेशर लग रहा होता है, जो बाहर से प्रेशर लग रहा होता है उसको बोलते हैं पी एक्सटर्नल, और जो अंदर से प्रेशर लग रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? पी इंटरनल। ठीक है भाई, पी एक्सटर्नल है, पी इंटरनल है। अब मान करके चलो अगर एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर बराबर है तो कोई मूवमेंट नहीं होगी। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हुआ तो कंप्रेस करेगा, इंटरनल ज्यादा हुआ तो एक्सपैंड करेगा, मानते ही मानते मैं बोलते भाई। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वर्तन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और एक और भी को बताया था वल्सो, वर्तन क्या बताया था, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। मैकेनिकल कौन सा है, लेफ्ट वाला राइट वाला? ये नॉन मैकेनिकल, समझ गए? याद है आपने ना, मान लो पहले आपका जो इनिशियल वॉल्यूम था वो वी इनिशियल था, क्या था भाई? अबे सारा क्या है ये आपका इनिशियल वॉल्यूम तो है, उसको लिखते हैं पी इनिशियल। ठीक है भैया, लिख दिया। अब अगर मैं पी एक्सटर्नल ज्यादा लगाऊंगा तो ये आपका पास में आ जाएगा थोड़ा सा, है? तो जो मेरा पहले पी इनिशियल वॉल्यूम था, मान लो ये मेरा पी इनिशियल था, तो अब पी फाइनल वॉल्यूम जो आया
मतलब जो आपने प्रेशर लगाया, अब वी फाइनल कुछ आया होगा ना, तो वो वी फाइनल कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। और फिलहाल आपने इस पिस्टन को कितनी लेंथ तक मूव करवाया? क्या मैं कह सकता हूँ कि एल लेंथ तक मूव करवा दिया है? बोलो। और ये जो एल लेंथ तक मूव करवाया, ये पिस्टन का कोई एरिया होगा? ए क्या है यहाँ पर? एरिया ऑफ पिस्टन। यही बात समझ, मेरी बात तसल्ली से सुनना भाई। यहाँ पर ये जो एरिया है, ये एरिया है पिस्टन का, जितनी एल लेंथ तक मूव करवाया, तो ये जो चेंज आया, यही तो चेंज इन वॉल्यूम आया। अरे भाई पहला वॉल्यूम इतना सारा था, अब इतना रह गया, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल करूंगा तो चेंज आएगा ना। बोलो। तो यहां पर ध्यान देना, ये जो बॉगडन आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था, वहां पे फोर्स आपने क्या लगाया? प्रेशर इनटू एरिया। और ये जो प्रेशर था, ये एक्सटर्नल प्रेशर कह सकता हूं, या आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया होगा, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया। और कितनी लेंथ पे लगाया? l लेंथ पे लगाया। तो ये एरिया इनटू एल जो लेंथ आया, ठीक है, या फिर ये वाला वॉल्यूम आया होगा जो चेंज है, तो इस एरिया इनटू लेंथ को मैं डेल्टा वी लिख सकता हूं, डेल्टा वी, ठीक है। और क्या मैं कह सकता हूं कि ये डेल्टा वी जो है आपका क्या है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, बोल सकता हूं ना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और आप बताओ कि डेल्टा वी आपका पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? और ये चेंज इन वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ में किसके बराबर लिख दूंगा? चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी के, जो कि किसके बराबर होगा? वी फाइनल आपका जो है माइनस जो वी इनिशियल था। मान लो वी इनिशियल आपका 40 लीटर था, वी फाइनल आपका 10 लीटर था, तो 10 माइनस 40 कितना हो गया? माइनस 30 लीटर। अब वर्क कभी नेगेटिव हो सकता है? वर्क कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए जो आपका डेल्टा वी नेगेटिव है ना, उस क्योंकि प्रेशर की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी और चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आया, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूंगा यहां पर? वर्क के आगे फाइनल क्या लगा दूंगा? माइनस पी एक्सटर्नल चेंज इन वॉल्यूम, तो ये आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बोलो भाई, इसको लिख लो जल्दी से भाई, ध्यान देना। यहां पर जो आपका हुआ है, क्या हुआ है? कंप्रेशन हुआ है ना, बोलो। आप नेक्स्ट केस में हम क्या कराते हैं? एक्सपेंशन करवाते हैं। नेक्स्ट केस में क्या कराएंगे? ये तो आपका कंप्रेशन हो गया, नेक्स्ट केस में एक्सपेंशन करवाते हैं। अब आप एक बात बताओ, अगर एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन में आप यू लगाओगे पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। जब एक्सपेंशन होगा तो आपका एक चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा है, तो वहां पे क्या नेगेटिव लगाने की जरूरत है? ओए बोल रहे भाई, मैंने कहा यहां पे जब डेल्टा वी आपका कंप्रेस हुआ था, तो वी फाइनल कम हो गया था कंप्रेस होने पे, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल नेगेटिव आया था, तो आपने नेगेटिव लगाया कि यार मेरा तो ये जो वर्क डन होगा नेगेटिव ना हो जाए, इसलिए आपने नेगेटिव लगा दिया। यहां पे क्या लगाने की जरूरत है? एक्सपेंशन के केस में नहीं ना, लेकिन हम कहेंगे यार कभी नेगेटिव लगाओ कभी नी लगाओ, ये तो ड्रामा हो जाएगा, मेरे को बोलता हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। इन्होंने कहा एक काम कर, तूने मम्मा पे पहले नेगेटिव लगा दिया ना, अभी यहाँ पे भी नेगेटिव लगा दे, तो उस केस में मेरा बंधन क्या आया था? यहाँ तो नेगेटिव लगाने पर बंधन मेरा फाइनल क्या आ गया था? पॉजिटिव आ गया था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव लगा दूंगा तो मेरा बंधन क्या आ जाएगा? अब आप कहोगे यार ये तो तू सही बावड़ा आदमी है, ये काम करता नेगेटिव लगाता ही नहीं, वहां नेगेटिव रहता और यहाँ पे पॉजिटिव रहता, फिर उल्टा करने की जरूरत ही क्या थी? तो मैं बताता हूँ क्या जरूरत थी। आप खुद सोच करके चलो, जब आपको जिंदगी में खुद को एक्सपैंड करना है तो काम आप करोगे कोई और करेगा? खुद करना पड़ेगा, तभी तो अपना एक्सपेंशन करोगे, कोई और करेगा तो वो तुम्हारे को यूज करेगा, तुम्हें दबाएगा और खुद का एक्सपेंशन करेगा, तुम्हारे को कंप्रेस ही करेगा भाई, समझ रहे इस बात को? तो जब भी कभी तुम चाहते हो ना मैं खुद एक्सपैंड करूँ, तो वर्क अगर आप सिस्टम हो तो वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब आप खुद करोगे, यही बात समझ।
तो कॉन्टेंट बाय द सिस्टम में आपका एक्सपेंशन होगा, मतलब अगर आप खुद मान लो मैं सिस्टम हूँ, मैं चाहता हूँ हाँ भाई मैं ग्रोथ करूँ मैं बढ़ूँ, तो मेरे को खुद काम करना पड़ेगा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। और जब मैं काम करूंगा तो मेरी एनर्जी कम होगी ज्यादा होगी, मेरी एनर्जी कम होगी मानते हो, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा क्या करेगा, मेरी एनर्जी डिक्रीज करेगा। और याद करो मैंने आपको इंटरनल एनर्जी बढ़ाने घटाने के तरीके बताए थे, अब डेल्टा यू बढ़ाने घटाने के तरीके बताए थे क्यू और डब्ल्यू में। प्लस क्यू क्या हुआ करता था, यू गिवन टू सिस्टम, माइनस क्यू क्या हुआ करता था, इट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, और प्लस डब्ल्यू क्या हुआ करता था, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और माइनस डब्ल्यू क्या होता था, वर्क डन बाय द सिस्टम। सो वर्क डन बाय द सिस्टम इंटरनल एनर्जी घटाता था, तो वर्क डन बाय द सिस्टम में आपकी एनर्जी घटेगी तभी तो तुम बढ़ोगे, यही बात समझ। तो इस बात को आपको वहां से रिलेट करना है, अगर मान लो ये ऐसा करता कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाता तो कंप्रेशन में आपका नेगेटिव रहता और एक्सपेंशन में पॉजिटिव रहता, तो हम उस चीज को ना कहीं ना कहीं रिलेट नहीं कर पाते। आप जब भी कभी जिंदगी में बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको खुद ही काम करना है, यही बात समझ। और जब आप खुद काम करोगे तो आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, अरे बोल लो भाई बढ़ेगी क्या आपकी एनर्जी, बोलो चल रोता और इसमें बी फाइनल ज्यादा होगा। हाँ यहाँ पे बी फाइनल ज्यादा होगा, तो बता वर्क का आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वर्क का आंसर अब नेगेटिव आएगा क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम होती नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव आपका ये नहीं बता रहा कि वर्क नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव ये बता रहा है कि आप एक्सपैंड हुए हो, आपने एनर्जी खर्ची, या सिंपल सी बात है आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको क्या लग रहा है यार मेरी एनर्जी खर्च हो रही है, अब तुम ज्यादा बीमार पड़ोगे या ज्यादा स्वस्थ रहोगे, सोच करके देखना भाई, जो आराम इंसान चाहता है वो आराम से आराम करके मिलता है या आराम ना करके मिलता है, आराम करके मिलता है। ऐसे तो अमीर आदमी ऐसे कुछ खाए जाए और पलंग पे पड़ा रहे कुछ दिन में अच्छा 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 बहुत मोटा हो जाएगा, फिर एंड में क्या हो जाएगा, अरे मरेगा तो नहीं लेकिन मरने जैसी कोई समझिए बात खराब स्थिति में तो जाएगा। तो जितना आप काम करोगे उतना ज्यादा आप स्वस्थ रहोगे, ये बात मानते हो ना, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, कोई किसी भी इंसान को एक सिस्टम मान लो, वर्क डन बाय द सिस्टम हमारी जिंदगी एक्सपैंड होगी, और आप काम नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी अल्टीमेटली क्या रह जाएगी, अरे छोटी सी रह जाएगी यार, कंप्रेस्ड रह जाएगी, यही बात समझ। तो आपको अगर अपनी ग्रोथ करनी है एक्सपैंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, खुद ही को काम करना पड़ेगा, समझ गए इस बात को, कोई लोचा तो बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा तो ये वाली बात आप समझना कि अगर मैं एक्सपेंशन करता हूँ तो एक्सपेंशन के केस में क्या होता है भाई, एक्सपेंशन के केस में वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है, और वो नेगेटिव क्या करेगा, इट विल डिक्रीज आर इंटरनल एनर्जी, बोलो रे इंटरनल एनर्जी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी, वर्क डन एक्सपेंशन के केस में वर्क डन नेगेटिव होगा और इसे हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, कोई लोचा इसमें। नेक्स्ट आ जाओ, अगर मैं कहूँ कि कॉम्प्रेशन हो रहा है, एक तो ये पार्ट हो गया आपका एक्सपेंशन का और एक नेक्स्ट पार्ट किसका आया, कंप्रेशन का, अगर कंप्रेशन का केस है तो आप एक ही चीज समझना दूसरी चीज याद हो जाएगी, अगर आप खुद काम कर रहे हो अपना ग्रोथ करोगे मतलब एक्सपैंड होगे, और जब आप खुद काम करोगे तो एनर्जी तो खर्च होगी ना, एनर्जी खर्च होगी तो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो घटती जाएगी, बात सुनना भाई, आप कहोगे कि यार मैं अगर अपनी इंटरनल एनर्जी कम ही करता रहूंगा तो वैसे कुछ बढ़ाऊंगा कैसे, है कोई आंसर तुम्हारे पास, खाना नहीं खा रहे क्या, खाना पीना खा तो रहे हो, खाना खा रहे हो, काम कर रहे हो, जिंदगी में करने क्या आए हैं, खाना तो फॉर श्योर हर आदमी खाएगा ना, चाहे काम करे या ना करे, खाना हर कोई खा रहा है, लेकिन अगर काम नहीं करेगा तो क्या होगा, खाना बॉडी में एब्जॉर्ब होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, फिर क्या होगा, बॉडी फैट हो जाएगा, और फैट अल्टीमेटली निशानी है किस चीज की, कहीं ना कहीं मान लो बहुत पतला भी उसी की निशानी है, लेकिन फैट तो गारंटीड है। तो याद रखना हर इंसान मैटर लेता तो है लेकिन हर इंसान काम
नहीं करता, अगर आपको एक्सपैंड करना है तो आपको काम खुद करना पड़ेगा। तो इस बात को समझना भाई, कंप्रेशन में जस्ट इसका उल्टा हो गया, मोमेंटम क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। सोच करके देखना भाई, वर्क डन पॉजिटिव मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, नेगेटिव में घट रही थी वैसे कुछ। तो अगर इंसान कंप्रेस हो रहा है तो वो भी उसकी एनर्जी बढ़ा रहा है, खाना खा रहा है तो एनर्जी बढ़ा ही रहा है, समझिए। तो वर्क डन पॉजिटिव का क्या होता होगा, इट विल इंक्रीज। और यहाँ पे आवर से मतलब मेरा किसका है, यहाँ पे आर से मतलब मेरा सिस्टम का है भाई, जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं। इंक्रीज आर इंटरनल एनर्जी, कोई लोचा इसमें, इंक्रीज आर इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके भाई, लिख लेते जल्दी से, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। चलो भाई, तुमको अब भी अगर ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हें कंप्रेशन और एक्सपेंशन में डाउट है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक बच्चा है, आप उसे जिंदगी में सब कुछ देते रहो, आले मिलता ये भी ले ले वो भी ले ले, मतलब नहीं नहीं तुम ज़्यादा दूर मतलब माँ ला के देता हूँ, तो तुम अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हो ना। योर बच्चा इज योर चाइल्ड, यू आर डूइंग वर्क ऑन दैट चाइल्ड, आप सारी चीज़ उस पर कर रहे हो, सब उसे करके दे रहे हो। बेटा नहीं तुम बाहर नहीं जाना, मैं ला के देता हूँ तेरे को, मैं देता हूँ, मैं सब करके देता हूँ। वो बच्चे की जिंदगी तुम एक्सपैंड कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, बताओ क्यों। बहस की पूछ, तू से एक्सपैंड तो होने नहीं दे रहा, तेरा बच्चा जब खुद काम नहीं कर रहा तो क्या घंटा बढ़ेगा वो कभी, ये बात सुन, वो बच्चा कब बढ़ेगा, खुद काम करेगा एक्सपैंड होएगा। जब खुद काम करेगा, खुद ठोकर खाएगा, अपनी एनर्जी कामों में लगाएगा, लगाएगा तो खर्च होगी। तो इफ वर्क इज डन बाय योर चाइल्ड, चाइल्ड विल ग्रो, और आप ही काम करते रहोगे चाइल्ड पे, ले रहे ऐसी पूछ ये भी ले ले वो भी ले ले, तो चाइल्ड का क्या होगा, तुम्हारा चाइल्ड बन जाएगा पप्पू, और पप्पू को नहीं पता पूरी दुनिया में क्या करना है, समझ गए बात, इस बात को तो लोचा हो पता, समझ गए, अभी नहीं आएगा समझ। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम विल कंप्रेस द सिस्टम, बोलो वर्क डन बाय द सिस्टम, द सिस्टम विल ग्रो, ये बात रटने की है ही नहीं। ओके, नहीं दे अभी समझ आया वाला मामला। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया एप्लीकेशन में, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया कि वर्क डन का एक फार्मूला होता है, द फार्मूला इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब अगर कोई कहता हो कि सुसर तेरा यू पढ़ाया है इतनी देर में, हाँ भाई मैंने यही पढ़ाया, इस पूरी देर का सार क्या था, मैंने आपको समझाया मैकेनिकल वर्क क्या है। मैकेनिकल वर्क में हर वो वर्क आता है जिसमें वॉल्यूम चेंज होता है, मतलब एक ऐसा फॉर्मूला वर्क है जिसमें वॉल्यूम चेंज दिखाई दे रहा है, मैकेनिकल वर्क है। और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं दिखाई दे रहा नॉन मैकेनिकल, और मेरे को थर्मोडायनेमिक्स में मैकेनिकल से पढ़ता है, मैकेनिकल से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैं कहा तो सारा तू बता कहाँ का दिक्कत आ रही है, चल ठीक है। तो ये वाला सारा लिख लेना, आगे चल रहे हैं। अब जैसे टाइप ऑफ वर्क में मैंने आपको कौन से टाइप का वर्क बताया, एक तो मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल बताया ना, एक टाइप का वर्क और बताता हूँ, टाइप का वर्क नहीं प्रोसेस का टाइप बताता हूँ। तो टाइप ऑफ प्रोसेस ध्यान दे रहा हूँ यहाँ पर, टाइप्स ऑफ प्रोसेस मतलब ये मान लो कि आज की क्लास में ना मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है भाई। टाइप ऑफ प्रोसेस में मैं आपको आज की क्लास में क्या प्रिपेयर कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास के लिए। तो प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, और सेकेंड कौन सा प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब आप खुद सोच करके देखना भाई, मान लो आप कोई काम कर रहे हो, आप बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो, तो वो रिवर्सिबल होगा इरिवर्सिबल होगा, बहुत जल्दी जल्दी हम धड़ाधड़ बोल देते हैं, कुछ सोचते ही नहीं मैं इसकी कुछ भी बोल दूंगा, इसलिए कहा जाता है ना सोच समझ के बोला करो, क्योंकि वंस आपने कुछ बोल दिया अब वो बैक नहीं हो सकता, अब उसके बाद एक छोटी सी चीज हो सकती है सॉरी,
और सॉरी तो क्या ही कर लेगा, समझ गए? मैं आपको रिवर्सिबल बहुत ज्यादा तो नहीं समझा सकता, लेकिन ये समझा सकता हूँ कि इरिवर्सिबल क्या होता है। जनरली जो काम बहुत तेज तेज आप कर देते हो इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल इसका उल्टा मैं डिफाइन कर देता हूँ, जो काम आप धीरे धीरे कर रहे हो। जैसे मान लो आप हौली हौली चल रहे हैं, ऐसे हौली हौली बिल्कुल हौली हौली, तो अगर आगे खाई है तो आप देख लोगे ओहो खाई है, चलो आगे चल, गिरेगा तो नहीं काफी आगे ले जाने के लिए। अरे बोलो भाई टॉम एंड जेरी थोड़े चल रहा है कि जेरी ऐसा था शो 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 शो, जेरी आएगा वो देखेगा वो मैं तो पार हो गया, ठीक है वो नीचे देखेगा जैन तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन टॉम नीचे देख के गिरेगा। नहीं पूछ, समझिए भाई। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यह, आप अगर बहुत तेज तेज आ रहे हो तो आपको खाई नहीं दिखेगी, आप धीरे धीरे आ रहे हो तो आप देखोगे अच्छा खाई है वापस हो जाएगा। तो देखो इस बात का रिलेशन कोई है नहीं इस बात से, मैं बस आपको छोटी सी चीज समझा रहा हूँ। रिवर्सिबल प्रोसेस वो है जो स्लो है, इरिवर्सिबल वो है जो इस बात का रिलेशन बस इस बात से है। रिवर्सिबल जो आप धीरे धीरे काम कर रहे हो रिवर्सिबल होने के उसके चांसेस शायद है। मान लो अगर आप बहुत सोच समझ के बोलते हो हाँ तो हम क्या कह रहे आपके दिमाग में इतने कुछ आ गया, अरे यार ये बात नहीं कह रही, वरना आप जल्दी जल्दी बोलते 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 पता चला सारी बात निकल गई और वहां से चांटे चांटे आना चालू हो गई, क्या बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस आपका वो हो गया जो स्लो है, इरिवर्सिबल वो हो गया जो फास्ट है। और जनरली इरिवर्सिबल प्रोसेस जनरली एक स्टेप में ही हो जाते हैं, और रिवर्सिबल क्या होते हैं मेनी स्टेप्स लेते हैं दोनों के लिए, ठीक है। फिर भी अभी मैं नहीं मान रहा कि आपको ये बहुत ज्यादा समझ आया होगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हल्का फुल्का ले दो, तो फर्स्ट द प्रोसेस That occur very slowly, है ना, होली होली the process that occur very slowly is called कौन सा process? Reversible process. इसको RP भी क्यों? It's called reversible process. और ये वाला क्या हो जाएगा इसका उल्टा? Irreversible process को IRP हो जाएगा। The process That occurred very fast is called irreversible process. और एक चीज और याद रखना, जितने भी reversible process होते हैं ये many steps लेते हैं होने में, ठीक है। These processes occur in almost infinite step. ये infinite step का मतलब समझाऊंगा आपको, जबकि ये वाले कितने step में होते हैं? हाँ, these process occur in one step only. एक में हाँ अभी बता रहा हूँ उसके बारे में, 28 मिनट। चलो बच्चों आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे इन द नेक्स्ट कक्षा। बाय बाय।